सो हे गाइस, तो आप भी अगर ऐसा इस तरीके से स्टेटस एडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सो गाइस, तो आगे मैं मोबाइल की स्क्रीन पे लेके आया, वहाँ पे सारा कुछ गोटा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहले बनाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ में बेल आइकन कॉल पे सेट कर लिया। चलिए जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। प्रमोशन एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेना है, तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 4:5:3 का आपको जो ये ले लेना है, रेशो ले लेना है 4.3 का, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आपका सॉन्ग होगा उसको ऐड कर लेना है। तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके मीडिया पे जाके आपको जो है आपका सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैंने मेरा सॉन्ग जो है देख सकते हो यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो अभी उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड इमेज में जाना है और आपको जो भी वीडियो ऐड करना होगा उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफ़र में जाना है और इसकी जो साइज़ है उसको बड़ा कर लेना है। ओके, ऐसा कुछ बड़ा कर लेना है और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे पूरा वॉच कर लेना है पहले वीडियो को। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, मैं जैसे जैसे बता जाऊँगा वैसे वैसे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन करना है। फिल स्क्रीन करने के बाद आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद अभी आपको सिंपली कॉपी बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉपी बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है, लेकिन फिर से इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद अभी आपको जो गॉसियन ब्लर है इसको ऐड कर लेना है। गॉसियन ब्लर को ऐड करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको पूरा 500 तक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं 500 तक कर लेता हूँ। ओके, 500 तक कर लेने के बाद उसके आप फिर से आपको राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और ऐड इफेक्ट में जाना है। जैसे आप ऐड इफेक्ट्स पे जाओगे अब पे जो एक्सपोजर और गामा आपको दिख रहा है इसको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद इसका जो एक्सपोजर है उसको आपको अभी -80 में लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं -80 में चले जाता हूँ, आपको भी -80 में ही इसको लेके जाना है। ओके, यहाँ पे मैं -80 में ऐड करने के बाद फिर से बैक आना है, देन इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ से अभी सैचुरेशन पे क्लिक करना है। सैचुरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको 3 लाइन पे क्लिक करके सैचुरेशन के ऑप्शन में आ जाए। सैचुरेशन को अभी आपको +30 कर देना है। ओके, यहाँ पर मैं +30 कर देता हूँ। +30 जैसे करेंगे उसके बाद फिर से बैक आना है, देन फिर से इफेक्ट्स में आना है, देन ऐड इफेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे हाईलाइट्स एंड शेडोज़ पे क्लिक करना है। हाईलाइट एंड शेडो पे क्लिक करने के बाद 3 लाइन पे आना है और इसका जो हाईलाइट है फुल मैक्स कर देना है। मैक्स करने के बाद अभी आपको ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है, देन यहाँ से डिफरेंस में जाना है। डिफरेंस में जाने के बाद यहाँ से जो सब्सट्रैक्ट है उस पर क्लिक कर देना है। सब्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद उसको आपको जो है लास्ट तक लेके जाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। लास्ट तक लेके जाने के बाद फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यानी यहाँ से एक और आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड लेने के बाद शेप ले लेना है। शेप लेने के बाद फिल स्क्रीन उसको आपको करना है। करने के बाद कलर एंड फील्ड में जाना है। यहाँ पर कलर एंड फील्ड में आने के बाद वाइट कलर ले लेना है और उसको आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद अभी आपको यहाँ से कलर एंड फील्ड में वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद तभी आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे जाना है। कॉन्ट्रास्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ओके ओवरले पे क्लिक कर देना है। ओवरले पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे ओवरले पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओवरले पे क्लिक करोगे इसको भी आपको जो है लास्ट तक लेके जाना है। ओके, तो लास्ट तक मैं लेके जाता हूँ। तो देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार से मस्त खूबसूरत सा ऐसा हमारा जो वीडियो स्टेटस है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अब आपको इसकी साइज़ जो है बड़ी कर लेनी, क्योंकि ये बड़े साइज़ में ही जो है ये अच्छा दिखता है। तो मैं कुछ इस प्रकार से साइज़ बड़ी कर लूँगा। ओके, उसको ऐड कर लेना है। ओके, अभी उसके बाद अभी आपको अगर आपको इंस्टाग्राम वगैरह का लोगो ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। मुझे ऐड नहीं करना है तो इसके लिए मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लूँगा। ओके, एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आपको एरो के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एरो के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट की क्वालिटी अगर रेजोल्यूशन कम ज़्यादा करना तो कर सकते हैं। देन उसके बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।